तो आज का स्टोरी है 2020 में रिलीज हुई एक पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी लव एंड मॉन्स्टर की। यह मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्टोरी सुनाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि आज से लगभग 7 साल पहले अर्थ के साथ कुछ अनयूजुअल हो गया था जो इंसानी सभ्यता को पूरी तरह चेंज कर दिया। दरअसल तब एक लार्ज एस्टेरॉयड किसी तरह अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने लगा था जिसके रिस्पॉन्स पे अर्थ के सारे देश इकट्ठा हो जाते हैं और उसे अपर एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बनाते हैं। पर उसकी साइज कुछ इतना बड़ा था कि इन्हें हजारों की संख्या में मिसाइल छोड़ने पड़ते है जो सब आखिर में उस एस्टेरॉयड को नष्ट कर ही देते है। और कुछ टाइम तो लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया पर तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। दरअसल इतने सारे न्यूक्लियर मिसाइल के एटमॉस्फेयर पर बड़ा बुरा इफेक्ट गिरता है और उनके रेडियोएक्टिव केमिकल्स बारिश के साथ अर्थ पे आने लगते हैं जो कुछ ही दिनों में धरती के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल को म्यूटेट करवा देता है जो उनके शेप्स को भयानक तरीके से चेंज करके उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल देता है। एक और बात, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ज़्यादातर सांप मछली या कीड़े मकोड़े ही होते हैं जिसके नतीजे तब कुछ ही सालों में वो मॉन्स्टर्स धरती को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और लगभग 95% इंसानों का खात्मा हो जाता है जहां बाकी के बचे हुए लोग किसी तरह इन सब से बचते बचाते बंकरों और गुफा में रहते आ रहे हैं। और फिर हमें प्रेजेंट डे में स्टोरी का मेन कैरेक्टर जॉयल को दिखाया जाता है जो और कुछ लोगों के साथ एक कॉलोनी बना के एक बंकर में रह रहा था। यहाँ वो अपनी कॉलोनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि कैसे इनिशियल टाइम में यहाँ रहना कितना मुश्किल हुआ करता था पर टाइम के साथ हमें इन सब की आदत पड़ गई है। खाना कलेक्ट करने के लिए जरूर कुछ मेंबर्स ऊपर जाते हैं पर उतना काफी नहीं था इसलिए आजकल ये लोग यहीं पे जुगाड़ू तरीके से सब्जी उगाते हैं। जहां हमें ये भी पता चलता है कि इस कॉलोनी में सब लोग किसी न किसी से रिलेशनशिप में आ गए हैं जिसके वजह से जॉयल खुद को थोड़ा अकेले अकेले महसूस करता है। यहाँ के बड़े लोग भी उसे इतने सालों के बाद किसी 17 साल के टीनेजर जैसे ट्रीट करते थे। वो सब इसे प्यार तो करते थे पर उस प्यार के वजह से इसको कभी रियल प्रॉब्लम्स का सामना करने को नहीं मिला था। और ऐसे ही एक दिन इस बंकर के अंदर एक बड़े से मॉन्स्टर के आने की इंडिकेशन मिलता है जो देख के सब रेडी हो जाते हैं उस पे अटैक करने के लिए। कुछ लोग बंकर का दरवाजा लॉक करके आगे बढ़ते है और बाकी लोग हीट सेंसर कैमरा से उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे जिसमें जॉयल भी था। पर यहाँ वो देखते है कि वो मॉन्स्टर उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है जिसे देख जॉयल पहली बार थोड़ा ब्रेव होके बचाने जाता है जहां उसके सामने ही वो मॉन्स्टर उस बंदे को निकल जाता है जो देख के पूरी तरह डर गया था और जैसे उसके हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था कि इतने देर में उसके बाकी साथी यहां आके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें जॉयल का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ एक कार में बैठा हुआ था। यहाँ वो एमी की एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता है पर तब उसका ड्राइंग बहुत खराब हुआ करता था पर तब भी एमी उसे एक कलर सेट गिफ्ट करती है और फिर दोनों यहाँ किस करते हैं। दरअसल ये वही दिन था जब से ये सारे डिजास्टर स्टार्ट हुआ और ये मॉन्स्टर्स अर्थ पर तहलका मचाना शुरू कर दिए थे। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है जहाँ हम देखते हैं कि जॉयल अब तक एक परफेक्ट पेंटर बन गया था और वो यहाँ एक जर्नल पे काम करता रहता है जिसमें इस बदली हुई दुनिया के सारे मॉन्स्टर के बारे में लिख रहा था। अब ऐसे ही एक दिन वो एमी के कॉलोनी से रेडियो कनेक्ट करता है और वो दोनों एक दूसरे को अपनी हालचाल बताने लगते हैं। हमें जैसे लगता है वो इतने सालों के बाद भी एमी से प्यार करता है। यहाँ वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, शायद मैं किसी तरह उस दिन उस कार में उस मोमेंट में वापस चला जाऊँ ताकि हम कभी अलग ही ना होते। जो सुन के एमी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता था पर ये सब तो अब मुमकिन नहीं है ना, अब तो इस दुनिया में हर चीज इम्पॉसिबल ही लगती है। पर इतने देर में वो कनेक्शन टूट जाता है और जॉयल फिर से अपनी पुरानी यादों में चला जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तब हर जगह से लोग बस निकलते जा रहे थे। जॉयल अपनी फैमिली के साथ एमी को गुड बाय करके उसे वादा करता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। वो अब यहाँ पे अकेला फील करके इतना परेशान हो गया था कि वो अब डिसाइड करता है कि वो यहाँ से बाहर निकलेगा और एमी को मिलने जाएगा। जो सुन के उसके सारे कॉलोनी वाले कहते हैं कि हमारा किसी का बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है और 85 माइल दूर उस कॉलोनी तक जाना कोई हलवा नहीं है। पर वो तो अपना मन बना लिया था जो देख के उन सबको ना चाहते हुए ही मानना पड़ता है और वो सब एक मैप बना के उसे देते हैं जहाँ एक इमोशनल गुड बाय और ढेर सारे गाइडेंस के साथ जॉयल निकल पड़ता है अपनी सफर में। अब वो मैप देखते हुए आगे बढ़ता है पर इतने दिनों के बाद सरफेस पे आने के कारण उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। और फिर कुछ देर में वो एक वीरान घर तक पहुंचता है जिसके बैकयार्ड से कुछ आवाजें आ रही थी पर जब वो वहां जाता है उसके वहां के पॉन्ड में एक आंख दिखती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में वहाँ एक भयानक फ्रॉग बाहर आता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पर तब तक यहाँ एक डॉग आके उसे बचा लेता है। वो उसके लंबे से जीभ को काट काट के उसे परेशान करने लगता है जिसके वजह से जॉयल को वहाँ से निकलने की मौका मिल जाता है और फिर वो डॉग भी वहाँ से निकल आता है। कुछ देर में हम इन दोनों को एक पुराने बस में देखते हैं जहाँ ये डॉग अपनी मालकिन के साथ रहा करता था। पर यहाँ के हालात और वो डॉग के बिहेवियर देख के जॉयल समझ जाता है कि उसकी मालकिन अब नहीं रही और वो ये रात इसी बस में सो जाता है।
अब अगले दिन सुबह वो यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है, पर अब वो डॉग जिसका नाम बॉय था उसके पीछे पीछे आने लगता है और अपनी पुराने मालकिन की निशानी के तौर पर एक स्कार्प लेके आता है, जो देख के जॉयल थोड़ा खुश होता है और उससे वो स्कार्फ लेके अपने बैग में रख लेता है। पर अब कुछ ही देर के बाद वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ उस गड्ढे के अंदर सिर्फ इंसानों की हड्डियाँ पड़ी थी और वहाँ के दीवार में बहुत बड़े बड़े से होल थे, जो देख के ये बहुत डर जाता है और जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करता है। पर अब उन होल्स में से सैंडवर्म्स बाहर आते हैं और इस पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ हमें लगता है कि उसके कॉलोनी वाले सही कह रहे थे, इसे यहाँ कुछ नहीं आता। जहाँ इतनी देर में ऊपर एक बंदा छोटी सी बच्ची के साथ आता है और इसे उस गड्ढे से एक रस्सी की मदद से बाहर निकालता है और फिर एक ग्रेनेड डाल के उन सारे सैंडवर्म्स को मार देता है। अब वो दोनों जोएल को पूछते हैं कि इतना अमेच्योर और ब्रेनलेस बंदा कहाँ अकेले निकल पड़ा है, तुमने जरूर खाना चुराया होगा जिससे कॉलोनी वाले तुम्हें निकाल दिए हैं। जो सुन के जोएल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कॉलोनी वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये तो मैं ही था जो अपने एक दोस्त को ढूंढने वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। और फिर वो बॉय के बारे में भी बताता है, जिसके बाद अब ये दोनों भी अपने अपने कहानी बताते हैं। दरअसल ये बंदा क्लेड और वो बच्ची कोई रिलेटिव नहीं थे, ये बस अपनों को खोने के बाद एक दूसरे का सहारा बने हुए है। वो बताते हैं कि हम नॉर्थ की तरफ स्नो माउंटेन में जा रहे हैं, मैं कहीं रेडियो में सुना था कि अब लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को स्नो बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो जगह इंसानों के लिए थोड़ा सेफ है, और तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते। जिस पे जॉयल कहता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैंने उसे वादा किया था कि मैं एक दिन उसे ढूंढ लूंगा। फिर अब ये तीनों उस पॉइंट तक साथ में ट्रैवल करते हैं जहाँ से इन्हें अलग होना होगा, जहाँ रास्ते में क्लाइड जॉयल को सर्वाइवल के बहुत सारे रूल्स सिखाता है, जैसे कि तुम्हें हमेशा हाई ग्राउंड का इस्तेमाल सीखना होगा क्योंकि इससे तुम इन बड़े मॉन्स्टर्स को दूर से ही देख पाओगे। और फिर एग्जाम्पल के तौर पर उसे एक मॉन्स्टर दिखाता है और बोलता है कि देखो ये एक कैमलर है जिसे हमारा सेंट मिल गया है। अब फिर रास्ते में मीनो भी उसे सारे मॉन्स्टर्स का नाम और शेप गिनवाने लगती है और ये सब बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर कुछ देर के बाद क्लाइड जोएल को बोलता है सीधे खड़े रहो, बिल्कुल भी हिलना मत, जहां हम देखते हैं कि एक जियांट म्यूटेटेड स्नेल इनके सामने से गुजर रहा था। और फिर क्लाइड जोएल की टी शर्ट लेके उस स्नेल में टांग देता है और उसके आंखों में देखने लगता है, जिसके रेस्पॉन्स पे अब वो कुछ नहीं करता और यहां से चला जाता है। वो ऐसा इसलिए किया था ताकि उनके सेंट का पीछा करता हुआ वो चैम्बलर डिस्ट्रैक्ट रहे जब तक ये यहाँ से निकल नहीं जाते। और फिर नेक्स्ट सीन में क्लाइड हैरान हुआ जोएल को बताता है कि तुम्हें क्या लगता था कि सारे मॉन्स्टर्स हमारे जान के पीछे पड़े हैं, इनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, बस तुम्हें उनके आंखों में देख के बताना होगा कि तुम कोई खतरा नहीं हो। यहाँ रात होने पर ये सारी चीज़ें जोएल अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करता है, जहाँ क्लाइड उन मॉन्स्टर्स के ड्राइंग देख के पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसमें वो कहता है कि मैं एक गाइड बुक बना रहा हूँ जिसमें सारे मॉन्स्टर्स और उनके वीकनेसेस का मेंशन होगा, ताकि आगे जाके हम एक साथ बहुत सारे लोगों को अपना नॉलेज शेयर कर पाए। जो सुन के क्लाइड बहुत खुश होता है और अपनी सारी सीखी हुई बातें भी जोएल से लिखवाता है। और ऐसे ही 3-4 दिन तक इनका सफर चालू रहता है, जिसमें वो जोएल को अपना क्रॉसबो चलाना भी सिखाते हैं और साथ ही में इस बदले हुए दुनिया में खाना दवाई कहाँ से मिल सकता है ये सारी बातें बताते रहते हैं। और आखिर में समय आ जाता है जहाँ से जोएल को इन दोनों से अलग होना था, यहाँ ये दोनों फिर से उसे समझाते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, पर जोएल मन बना लिया था कि वो एमी के पास जाएगा ही। उन्हें अलग होता देख वो बच्ची मीनो थोड़ा रोने लगती है, उसका कुत्ता बॉय भी चाहता था कि उनके साथ ही जाए, जो देख के जोएल मीनो को समझाता है। और इनके ये गुड बाय मोमेंट में क्लाइड जोएल को एक बात बताता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना है तो हमेशा अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना होगा, और एक अच्छा इंस्टिंक्ट डेवलप होता है कुछ बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद, बस हौसला रखना, अपनी आंखें खुले रखना और मुझे विश्वास है तुम जरूर एमी तक पहुंच जाओगे। जहां इसके बाद जॉयल उन्हें अलविदा कह के बॉय के साथ निकल पड़ता है, पर थोड़े ही आगे जाने पर एक जगह बॉय को कुछ आवाज आने लगती है और वो डरा हुआ जाके एक टॉय के नीचे छुप जाता है, जो देख के जॉयल उसे बुलाता है और जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर तब तक जमीन के नीचे से एक सेंटीपेड क्रिएचर बाहर आ जाता है, जिस पे जॉयल अपनी क्रॉसबो तांगता है, पर तब तक वो क्रिएचर उसे दूर फेंक देता है और वहाँ छुपा बॉय को खाने की कोशिश करता है। जहाँ इस पॉइंट में जॉयल को फिर से अपनी पुरानी बातें याद आती है, जिसमें एपोकलिप्स के स्टार्ट में उसके मम्मी डैडी कैसे उसके सामने ही मर गए थे, वो उनको खोने का दर्द अब तक नहीं भुलाता और यहाँ किसी भी हाल में वो बॉय को भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए अब वो उठता है और हिम्मत के साथ उस क्रिएचर का सामना करता है और उसके सिर पे एक एरो शूट कर देता है, जिससे अब यहाँ दोनों की जान फिर से बच जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक घर में देखते हैं,
जो लोग बारिश के वजह से वहां रुके हुए थे, जहां उसे अब एक ह्यूमनॉइड रोबोट मिलता है जो अपना नाम मेविस बताती है। वो बताती है कि वो पिछले 7 साल से कभी इंसानों को यहाँ नहीं देखी थी। उसे लग रहा था शायद इंसान एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से उसके पास बहुत कम चार्ज होता है। यहाँ उसकी पैर भी टूट गए थे जिसके वजह से वो कभी यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाई। अब वो जोएल को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बाहर लेके जाए ताकि इस आखिरी टाइम में वो थोड़ा बाहर की दुनिया देख पाए। जहाँ जोएल उसे बाहर लेके जाता है और मेविस के पूछने पर वो अपनी स्टोरी उसे सुनाता है, जिसके बाद मेविस अपनी डाटाबेस से सर्च करके जोएल की मम्मी की एक फोटो अपनी स्क्रीन पे दिखाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें अगर चांस मिलता तो तुम अपनी मॉम से क्या कहते जोएल। जिस पे इमोशनल होके जोएल बताता है कि मैं अब ठीक हूँ मॉम, मुझे एक कॉलोनी मिल गया, मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिल गए जो मेरी केयर करते हैं, और मैं तुम्हें और डैड को बहुत मिस करता हूँ मॉम। इतना कह के वो मेविस को गले लगा लेता है जैसे कि वो उसकी मॉम ही है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है। अब कुछ देर में वहाँ से लाइटिंग करते हुए कुछ स्काई जेलिश उड़ते हुए जाते हैं, जो देख के मेविस खुश हो जाती है, और एक पुराना सॉन्ग बजाते हुए ये सीन जोएल और बॉय के साथ एंजॉय करती है, और कुछ ही देर में वो हमेशा के लिए बंद पड़ जाती है। अब अगले दिन सुबह जोएल और बॉय फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ जोएल एमी से मिलकर क्या कहेगा ये सोचते हुए चल रहा था। पर अब फिर से बॉय को कुछ आवाज आने लगती है, जो देख के जोएल समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पर जल्दी ही यहाँ एक सैंड गॉब्लर आ जाती है। ये वही क्रिएचर होता है जिनके गड्ढे में जोएल स्टार्टिंग में गिर गया था। पर यहाँ ये उनकी क्वीन थी जो साइज में काफी ज्यादा बड़ी हुआ करती है, जिसे देखते ही भागने के लिए क्लाइड उसे सलाह दिया था। और अब जोएल बॉय के साथ यहाँ भागता है, पर मिट्टी के नीचे चलती हुई ये सैंड गॉब्लर कुछ ज्यादा ही साउंड सेंसिटिव होती है। अब कुछ ही देर में ये दोनों एक नाले तक पहुँच के वहाँ छुप जाते हैं, जिसके बाद वो सैंड गॉब्लर यहाँ आ तो जाती है पर इन्हें ढूंढ नहीं पाती। अब फिर यहाँ जोएल के बैग से वो रेड स्क्रब उड़ते हुए पानी में चला जाता है, जिसे देख इमोशनल बॉय खुद को रोक नहीं पाता और दौड़ के पानी की तरफ भागता है। जोएल उसे काफी रोकने की कोशिश करता है पर अब देर हो गई थी, जिससे वो सैंड गॉब्लर वापस आ जाती है, जहाँ जोएल लास्ट मोमेंट पर एक ग्रेनेड उसके मुंह में फेंक कर उसे ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद जोएल बॉय को काफी डांटता है, जिससे बुरा मान के बॉय यहाँ से भाग जाता है। पर तब तक पानी में से बहुत सारे लीचेस जोएल के बॉडी में लग गए थे, जिनके जहर से उसे हालुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ बेहोश हो जाता है। पर अब तक वो एमी के कॉलोनी के बहुत पास पहुँच गया था, जिसके वजह से उनका कोई एक बंदा उसे कॉलोनी में ले आता है। और फिर कुछ देर के बाद जोएल की आंख खुलती है, जहाँ उसके सामने अब एमी बैठी हुई थी। यहाँ एक दूसरे को मिलके ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, और जोएल इतने दिनों तक कैसे उसे मिस कर रहा था ये बताता है। यहाँ फिर एमी बताती कि उनके कॉलोनी में कुछ नए लोग आए हैं जो इन सबको किसी सुरक्षित जगह ले जाने वाले हैं, और इसलिए ही यहाँ से निकलने की इन लोगों की तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ देर के बाद एमी जोएल से कहती है कि उसे लगा नहीं था कि जोएल सच में इतने खतरनाक सफर तय करके यहाँ आ जाएगा, और इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल भी गई है, जिससे वो उसके साथ फिर से रिलेशनशिप पे आने के लिए रेडी नहीं है। खैर, जोएल के लिए अब ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। उसे अपने इतने दिनों की थिंकिंग के लिए बहुत बुरा महसूस होने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में वो यहाँ अपना सामान रख रहा था, जहाँ उसकी नज़र वो मैप पे पड़ती है जो उसकी कॉलोनी वाले उसे बना के दिए थे, जिसके पीछे वो सब जोएल के लिए कुछ ना कुछ मैसेज लिखे थे, जो सब पढ़ के इसे और भी बुरा लगता है। वो सोचता है कि वो कितना बड़ा बुद्धू है जो अपनी फैमिली जैसे कॉलोनी को छोड़ के यहाँ आ गया। और फिर वो रेडियो अपनी कॉलोनी से कनेक्ट करता है और उन लोगों से बातें करके उसे थोड़ा सुकून महसूस होता है, जहाँ वो लोग इसे बताते हैं कि पता नहीं क्यों आजकल हमारे बंकर में मॉन्स्टर्स बार बार हमला कर रहे हैं, और इस वजह से शायद हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। जो सुन के जोएल वापस जाने की डिसाइड करता है, पर इसी रात वो यॉट का कैप्टन कैप इस कॉलोनी के सारे लोगों को बेरीज खिला के बेहोश कर देता है। अब अगले दिन इन सबको होश आता है, जहाँ ये सबको बांध के रखा था, और अब कैप बताता है कि वो कभी भी इनका मदद करने नहीं आया था, बल्कि इनका फूड और सप्लाई चुराने का इसका प्लान था, और उसकी बोट भी किसी फ्यूल से नहीं चलती है बल्कि एक जियांट म्यूटेटेड क्राब उसे खींच के ले जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैप उस जियांट क्राब को एक जंजीर की मदद से बोट से बांधा हुआ था, और अपने पास रखा हुआ रिमोट के जरिए इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे कंट्रोल करता था। जहाँ इसके बाद कैप उस मॉन्स्टर से कॉलोनी वालों को मारने को छोड़ देता है, और इस जगह पर कलेक्ट किया गया सारे सप्लाई को लेकर अपने बोट पे जाने लगता है। अब यहाँ जोएल और एमी किसी तरह छूट जाते हैं और सबको उस क्राब से बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ अब तक बॉय भी लौट के आ जाता है, पर किसी से भी उस क्राब पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, और वो जोएल को अपनी क्लॉज से उठा लेता है, जो देख के एमी उसे ग्रेनेड लॉन्चर दे देती है। लेकिन अब जोएल शूट करने के बजाय रुक जाता है। वो उसकी आंखों में देख के समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी पेन में है, और वो इलेक्ट्रिक शॉक के डर से ये सब कर रहा है, जिसके बाद अब वो इस क्राब के बजाय उससे बंधा हुआ वो इलेक्ट्रिक जंजीर को तोड़ के इसे आजाद कर देता है, और फिर वो मॉन्स्टर इनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जहां इसके बाद समंदर में कैप के बोट में जाकर उन सबको मार देता है।
अब अगले सीन में जोएल एमी को गुड बाय कह के अपनी कॉलोनी के लिए चल पड़ता है और एक बार फिर से ये सफर को सर्वाइव करते हुए अपनी कॉलोनी तक पहुँचता है, जहाँ सब इसे देख के काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर उन्हें कहता है कि बाहर की दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, हमें बस कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस को सर्वाइव करना होगा, जिसके बाद हमारी इस चेंज हुई दुनिया में आदत पड़ जाएगी। अब इस आखिरी सीन में हम उन सबको जोएल के साथ नॉर्थ की स्नो माउंटेन में जाता देखते हैं, जहाँ अब तक क्लाइड और मीनो वहाँ पहुँच गए थे। और फिर रेडियो पर वहाँ की हालात सुन के एमी और कुछ कॉलोनी वाले वहाँ की सफर में चल पड़ते हैं और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। अब इस पॉइंट में मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय।